नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर गोगामेड़ी हत्याकांड दोहराने की साजिश का खुलासा हुआ। जैसे कि राष्ट्रीय कर्णी सेना के अध्यक्ष पर फायरिंग की गई थी, उसी तरह फायरिंग में बाल बाल बचे हैं शिव सिंह शेखावत। तो चार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि हमले में बाल बाल शिव सिंह शेखावत बचे हैं और उन्होंने आरोप भी गंभीर लगाए। महिपाल सिंह मकराना, कुछ दिनों से उन्होंने कहा है कि धमकिया दे रहा था, बातचीत के बहाने से ऑफिस आकर वो लगातार फायरिंग। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कैसे शिव सिंह को आकर बदमाशों ने उनके ऑफिस के अंदर ही मारने की कोशिश की। जिस तरह राष्ट्रीय कर्णी सेना के अध्यक्ष गोगामेड़ी को मारने की कोशिश मारा गया था उनके ऑफिस में आकर, तीन लोगों ने ताबड़तोड़ हमला करके फरार हो गए थे, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी तरह गोगामेड़ी हत्याकांड को फिर से दोहराने की कोशिश की गई है। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को फिलहाल पकड़ लिया। महिपाल सिंह और उसके साथियों को पकड़कर पीटा गया है। उच्चाधिकारियों ने सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों से जानकारी भी, वहां पर साक्ष्य भी जुटाए हैं। तो बातचीत के बहाने बताया जा रहा है दफ्तर के अंदर आरोपी दाखिल हुए थे और बातचीत के दौरान ही उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि शिव सिंह शेखावत को किसी तरीके की कोई हताहत नहीं हुई है, चोट आई है और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और जो आरोपी थे उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी जमकर पिटाई की गई है। अब जो है पुलिसकर्मी जो है सभी साक्ष्य जुटाने में जुट गए हैं और इसी के साथ आरोपियों से पूछताछ और वहां जो मौजूद लोग थे उनसे भी पूछताछ करनी शुरू कर दी गई है। आज हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बाजियावास का जन्मदिन मनाकर राज्यवर्धन राठौड़ के यहाँ से कार्यालय पहुंचा। इसी के बीच में मकराना, ये मकराना का फोन आया हमारे दो दिन पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पास में, उसको भी धमकी दी कि सुखदेव सिंह को भी मैंने जान से मार दिया था और तू भी क्या चीज है, शिव सिंह को समझा देना अगर ये करेगा तो। उसके बाद में आज मेरे छोटे भाई के पास में फोन आया कि बैठ के मिलके बात कर लेते हैं। उसके बाद में हमने कहा चलो आ जाओ और उसके बीच में अचानक थोड़ी देर तो बातें करता रहा, हो सकता है इसने दारू पी रखी होगी, हो सकता है इसने ड्रग्स का नशा कर रखा होगा। इसी के बीच में उसने मेरे पे फायर मारा, फायर जमीन पे लगा तो गनमैन ने सामने से बटकी मारी इसके ऊपर तो सिर के ऊपर लगा तो ये गिरा। उसके बीच में तीन लोग और थे तो पूरी टीम ने 10-15 जने बैठे हुए थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा वो भी फड़फड़ाटी कर रहा था, उसको भी मार दिया, अब तेरे को ही मारेंगे, हम लोगों ने सुपारी ले रखी है, हमारा हाथ है, तुम्हें जान से मारेंगे। आज चित्रपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना और इसमें फायरिंग होने की सूचना मिली, जिसमें पुलिस हमारी मौके पर पहुंची, जिसमें खाली केस इत्यादि जो है मौके पर मिला है। तो इस घटना की पुष्टि की जा रही है, फायरिंग से किसी को कोई चोट होने की कोई किसी तरह की बात सामने नहीं आई, मारपीट में चोट लगी है, उसकी इलाज चल रहा है। अभी तक कोई हिरासत में अभी दोनों पक्षों से पूछताछ चल रही है, उस पर अग्नि विधि संगत कार्रवाई जैसा रिपोर्ट और अन्य जो फुटेज वगैरह और अन्य जो जांच से तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ राकेश लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, पता चल पाया क्या आरोपी कौन है? देखिए, प्रारंभ तौर पर ये जो पूरी बात सामने आ रही है, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, खासतौर पर राष्ट्रीय कर्णी सेना के जो एक जिम्मेदारान पद है उसको लेकर के जिस तरीके के जो तथ्य सामने आए हैं और जो शिव सिंह शेखावत ने पुलिस में जो शिकायत दी है उसके अनुसार इस वक्त हम दिखा सकते हैं कि हम राष्ट्रीय ये जो कर्णी सेना का कार्यालय इसके बाहर खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल हालात यहाँ पर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, लेकिन चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो शिव सिंह शेखावत ने जिस तरीके से अपनी हत्या की आशंका पहले भी जताई थी और चूंकि पहले भी करीब 9 जून के आसपास उनके पास पाकिस्तान से भी एक फोन आया था जिसमें उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, इस तरह की शिकायत जो है शिव सिंह शेखावत ने पहले दर्ज करवाई थी। अब चूंकि ये पूरा प्रकरण जो बताया जा रहा है वो महिपाल सिंह मकराना और शिव सिंह शेखावत दोनों के बीच कल विवाद हुआ है और उस विवाद में यहां पर फायरिंग की बात भी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस और FSL की टीमें या अन्य जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही हैं और तफ्तीश में कौन दोषी है, यहां पर आसपास के तमाम जो CCTV फुटेज हैं उनको भी खंगाला गया है और उसकी रिकॉर्डिंग
जो है वो ले ली गई। जांच में क्या पता चला है राकेश, पुलिस से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो बताइए जरा सा कि कितने दिनों से रेकी कर रहे थे उनके दफ्तर की, और ये भी बताइए कि कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है अभी तक। बिल्कुल, अभी तक चार लोगों की गिरफ्तारी की सूचना हमें मिली है, और जिस तरीके से बताया, हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बारे में कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है, लेकिन जो जहां तक रेकी की बात है, चूंकि ये आपसे पहले से ही विवाद इनमें चलता रहा है, और यहां कल किसी बैठक के नाम पर यहां पर जो इस कार्यालय में आए थे, उसके बाद ये विवाद पूरा गहरा है। अब चूंकि पुलिस का यह मानना है कि गोली चली, किसने चलाई और क्यों चलाई, इन तमाम साक्ष्यों को अब पुलिस जांच में एकत्रित कर रही है, क्योंकि दोनों के साथ दो दो पुलिसकर्मी भी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। दोनों ने अपने ऊपर हमले की आशंका पहले से जताई थी, इसको लेकर के सरकार ने यहां पर दो दो पुलिसकर्मी दोनों को दिए हुए हैं। तो चूंकि दोनों पुलिसकर्मी उस समय संभवतः मौजूद थे, तो पुलिस उन तमाम साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पीछे विवाद क्या है, क्योंकि करीब एक साल पहले जिस तरीके से सुखदेव सिंह गुगामेड़ी की जो हत्या हुई थी, उसके बाद पूरे राजधानी में एक माहौल बिगड़ा था। हाँ, देर रात जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, क्या शिव सिंह शेखावत के द्वारा पहले भी पुलिस को कोई सूचना दे दी गई थी, किसी तरह का FIR दर्ज कराया गया था कि उनके जान पर बनाई है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत सेना यानी महिपाल सिंह मकराना के बीच में किस तरह का विवाद हुआ था जिसके बाद ही गोली चली है? दो प्रश्न हैं। बिल्कुल, देखिए जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जो महिपाल सिंह मकराना और शिव सिंह शेखावत के बीच में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष पद यानी इसके जो एक तरीके लीडरशिप को लेकर के आपसी इसमें जंग थी पहले से ही, और जो शिव सिंह शेखावत है उसने पहले भी जो है अपनी हत्या के लिए पुलिस को जो है बताया था कि उसकी हत्या की आशंका है, और इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट भी दी और एजेंसियों को भी सतर्क किया गया था। इसके अलावा 9 जून को जो है शिव सिंह शेखावत ने एक शिकायत भी दर्ज की थी, पाकिस्तान के फोन नंबर से उनके मोबाइल पर एक फोन आया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। दोनों के बीच में राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष पद को लेकर के जो है एक तकरार है, चूंकि एक बड़ा संगठन है और जो जिसका मुख्य दायित्व जो है सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जो तमाम तरह ये राजनीतिक दल नहीं है, एक तरीके से हम कहें कि अन्याय के खिलाफ सभी समाज सभी वर्गों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला एक राष्ट्रीय करणी सेना है जो राष्ट्र की चाहे वो धर्म संस्कृति और इन तमाम को बचाने के लिए आ गया है। जिस तरीके से राष्ट्रीय करणी सेना की जब स्थापना की गई थी तो राष्ट्रीय करणी सेना के जो संस्थापक थे कालवी, उनके गुजरने के बाद अब यहां पर शिव सिंह शेखावत के पास जिम्मेदारी है। बड़ा संगठन है, देश भर में नेटवर्क फैला हुआ है, हजारों की तादाद में राष्ट्रीय करणी सेना से लोग जुड़े हुए हैं, कई बड़े आंदोलन जो है राष्ट्रीय करणी सेना द्वारा किए गए हैं, तो अब इसका जो जाहिर सी बात है कि दुश्मनी हो जाती है। लेकिन एक बात ये बताइएगा जरा सा आप राकेश, कि अगर आपको याद हो कि जब सुखदेव सिंह गोगामेड़े की हत्या की गई थी, उस दौरान भी ये बात सामने निकल कर आई थी कि उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब उनकी हत्या हो गई उसके बाद इसमें रोहित गोदारा का भी नाम सामने आया था, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आया था, तो आपको क्या जानकारी मिल पाई है इस मामले में कि क्या किसी गैंग का भी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में हो सकता है क्या, या फिर ये सिर्फ दुश्मनी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शिव सिंह शेखावत ने आरोप लगाए हैं कि उनकी हत्या के लिए सुपारी भी दी जा सकती है, 6 से 7 करोड़ रुपए तक की सुपारी देने की आशंका उनको थी, और इस मामले में पहले भी उन्होंने जो है इस बारे में पुलिस को और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको जानकारी दे दी थी। उनका कहना था कि इस मामले की NIA से CBI जांच भी की जाए, क्योंकि सुखदेव सिंह गुगामेड़ी का जो हत्याकांड हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, और उन्होंने बकायदा अपनी फोन रिकॉर्डिंग और दूसरे जो साक्ष्य हैं वो जांच एजेंसियों को दिए हैं। अब जहां तक रही बात शिव सिंह शेखावत, तो निश्चित तौर पर उन्होंने पहले कंप्लेंट की थी, और कंप्लेंट के बाद सुखदेव सिंह गुगामेड़ी की जब हत्या हुई और उसके बाद चूंकि महिपाल सिंह मकराना और शिव सिंह शेखावत दोनों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई, दो दो जो है पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हथियारबंद, और यहां पर चूंकि जब से शिव सिंह शेखावत को धमकी मिली थी तब से उन्होंने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, और देर रात जो घटना बताई गई है उस घटना में ये बताया गया है कि जब शिव सिंह शेखावत कार्यालय में थे तो समाज के लोगों के नाम पर जो है लोग यहां अंदर आए, और जो सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म अभिनेता थे
उनकी जो मौत हुई थी, उन्होंने जो आत्महत्या की थी, उस मामले को उठाने के लिए यहाँ पर एक बैठक होनी थी, उस बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे और उसके बाद ये घटनाक्रम जो है पूरा सामने आया है। पुलिस कर्मियों के तमाम साक्षियों को सुरक्षा दे करके क्या पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया इस पूरे मामले से, जिस तरीके से बार बार उनकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई जा रही थी कि मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा मुहैया करा दी गई या फिर जांच को भी आगे बढ़ाया था इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए जहां तक सुरक्षा की बात है या जांच की बात है, अभी ये जो राष्ट्रीय करणी सेना का कार्यालय है चित्रकूट थाने से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, और चूंकि ये मामला जो शिकायत आई थी लगभग एक महीने पहले की थी, तो संभवतः जो पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां हैं उन्होंने इस मामले की फौरी तौर पर जांच कर ली, और उसके बाद अब चूंकि अचानक जिस तरीके से घटना घटी है इस तरह की आशंका नहीं थी, इसलिए जांच एजेंसियां ज्यादा सक्रिय नहीं थी, लेकिन और इस कार्यालय में बाहर से राजस्थान से दूसरे राज्यों और देश भर से लोग यहां पर आते हैं और राष्ट्रीय करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करते हैं, तो ऐसे में ये कह पाना कि सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही है, चूंकि एक कार्यालय है जहां पर आम आदमी का आना जाना है, कोई सुरक्षा चाक चौबंद सुरक्षा की मांग भी नहीं की गई थी, चूंकि जो पदाधिकारी हैं उनका नियमित तौर पर लोगों से मिलना भी लगातार जारी था, ऐसे में बंदिश लगाना भी एक तरीके से। महिपाल मकराना उस समय मौजूद थे और शिव सिंह शेखावत भी मौजूद थे, गोलियां चली, किसके साइड के वो लोग थे जो वहां पर मौजूद थे? दूसरा ये कि महिपाल मकराना को भी क्या चोटें आई हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पुलिस ने साक्ष्य जुटाए उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो शिव सिंह शेखावत है वो अपने एक जो पदाधिकारी हैं उनके जन्मदिन के यहाँ पर उसकी पार्टी आयोजित की जा रही थी, करीब 20 लोग उनकी तरफ से यहाँ पर मौजूद थे, जो महिपाल सिंह मकराना हैं उनके साथ भी 4-5 लोग यहाँ पर आए थे, तो यानी करीब 25-30 लोगों के बीच की यहाँ की संख्या थी, और जिस तरीके से जो महिपाल सिंह मकराना पर जो सुरक्षाकर्मी है उसने अपनी पिस्टल से जो एक बचाव के लिए जो हमला किया था उससे महिपाल सिंह मकराना को चोट लगी है और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज अभी भी जारी है, क्योंकि पुलिस इन तमाम साक्ष्यों की जांच कर रही है कि जो लोग आए थे उनके पास क्या क्या हथियार थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, साथ ही इस कार्यालय में दिन भर में कौन कितने लोग आए, इससे पहले इस कार्यालय की रेकी के लिए किस तरह के प्रयास किए गए, क्योंकि जो ये कार्यालय राष्ट्रीय करणी सेना का है यहां पर महिपाल सिंह मकराना अगर आए थे तो क्या उन्हें इन्वाइट किया गया था, क्या उनके पास ऐसे साक्ष्य हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के प्रकरण जो बैठक होनी थी उस मामले को उठाने के लिए क्या इसके लिए उनके पास कोई निमंत्रण था, तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनकी जांच अभी पुलिस कर रही है और इन सवालों के जवाब पुलिस अभी देने के लिए तैयार नहीं है। राकेश, बिल्कुल, हमने सुबह इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि हम साक्ष्यों के जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और जो साक्ष्य मिलेंगे उन साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, चूंकि इस मामले से राजधानी में देर रात सनसनी फैल गई थी तो पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर आए और उन्होंने इस मामले की जांच की मॉनिटरिंग भी करनी शुरू कर दी है और वो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं जिससे पूरा विवाद हुआ और किसने कानून की अवहेलना की है, इन तमाम साक्ष्यों को जानने की पुलिस अभी कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज नहीं था क्या उस कार्यालय में? इतना बड़ा कार्यालय है करणी सेना का, चौराहे पर है, सीसीटीवी फुटेज नहीं था क्या राकेश वहां पे? बिल्कुल, हम दिखा सकते हैं, यहाँ कार्यालय में बाहर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, इसके अलावा आसपास की जो तमाम बिल्डिंग है उनमें भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और जो सामने है कार्यालय के सामने जो इमारतें हैं इनमें भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो पुलिस ने कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो शिव सिंह शेखावत ने कंप्लेंट की थी कि उनको जान से मारने की धमकी दी है और महिपाल सिंह मकराना पर ये आरोप भी लगाए हैं कि उन्होंने जो है पहले ही उनकी हत्या के बारे में कई लोगों से धमकियां दी हैं, तो धमकियों की फोन रिकॉर्डिंग भी जो है शिव सिंह शेखावत ने अपने पास मौजूद बताई है, तो ऐसे साक्ष्य उन्होंने कल देर रात जो है मीडिया के सामने भी पेश किए थे, तो निश्चित तौर पर अब ये तमाम जो सवाल हैं इनके जांच जो इनके जवाब जो है पुलिस जांच में ही सामने आ दिनों से फिलहाल अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। राकेश, शिव सिंह शेखावत को कितने दिनों से धमकियां मिल रही थी और पुलिस को उन्होंने ये जो साक्ष्य हैं ये कितने समय पहले मुहैया कराए थे, कुछ पता चला क्या आपको?
बिल्कुल देखिए, लगभग 3 महीने पहले शिव सिंह शेखावत ने अपनी हत्या की आशंका को लेकर के और जांच एजेंसियों को पत्र लिखा था और उसमें ये बताया गया था कि उन्हें किसी कारणों से या तो किसी के माध्यम से सुपारी देकर के उनकी हत्या करवाई जा सकती है या किसी अन्य प्रकार से। और इस मामले में जब इस बात की उन्होंने तब पुष्टि की जब 9 जून को उनके पास में एक पाकिस्तान के नंबर से फोन आया और उसमें उन्होंने जिस तरीके से जो शिकायत दी है उसमें ये बताया है कि सुखदेव सिंह गोगा बेड़ी की हत्या का भी उस फोन कॉल में जिक्र किया गया था और ये कहा गया था कि 7 दिन तो तुम बच गए हो लेकिन आगे तुम्हारा बचना संभव नहीं है। इस तरह की शिकायत शिव सिंह शेखावत जो राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने की थी। और अब चूंकि पुलिस उन तमाम साक्षियों को अब ये मामला बेहद संवेदनशील हो गया है इसलिए जांच एजेंसियां एक सवाल और है राकेश सर के जांच में जुटी। शिव सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास मकराना की कॉल भी आई थी जिसमें ये बोला गया था कि शिव सिंह शेखावत को वो ये कर देंगे वो कर देंगे। 9 जून को जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तानी कॉल आई थी उसके बाद से शिव सिंह शेखावत ने घर से अकेले निकलना बंद कर दिया था, तो क्या इन सबसे लीड नहीं काउंट नहीं हो पा रहा है, क्या कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है? बिल्कुल, जो शिव सिंह शेखावत राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष है वो सुरक्षा को लेकर के निश्चित तौर पर संवेदनशील थे और जिस तरीके से जांच एजेंसियों से उनकी बात हुई थी तो उन्होंने सबसे पहली बात तो बिना कारण घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, साथ ही वो अकेले घर से नहीं निकलते थे और जो उनके कार्यालय में भी अगर कोई मिलने वाला आता था तो उसकी जांच होती थी क्योंकि उनके साथ 2 सुरक्षाकर्मी भी थे और बाहर भी यहां पर राष्ट्रीय करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद रहते थे, तो सुरक्षा को लेकर के सावचेत थे, अलर्ट थे और हमले की उन्हें पहले से आशंका थी। और इस तरह के प्रकरण की अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि जो गोली चली वो किस तरफ से चली, चूंकि जो हथियार फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए वो किसके थे, इन तमाम चीजों की अभी पुलिस जांच कर रही है। शिव सिंह शेखावत की अभी स्थिति कैसी है, पुलिस से अगर आपकी बात हो पाई हो और खास करके डॉक्टर्स का क्या कहना है ये बताइए, उन्हें गोली आखिर कहां लगी है? बिल्कुल देखिए, ये कहना गलत है कि उनको गोली लगी है, शिव सिंह शेखावत बाल बाल बचे थे उस गोली में और उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची है और वो सुरक्षित हैं पूरी तरीके से। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो वहां जो लोग मौजूद थे, जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन्होंने जो हमलावर हैं जिसमें महिपाल सिंह मकराना का नाम बताया जा रहा है उनकी एक हमला उससे बचाव के लिए हमला किया था और उसमें महिपाल सिंह मकराना के सिर पर चोट लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिव सिंह प्रथम दृष्टया जो पुलिस की जांच है वो किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या सिर्फ इसे वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर ही इसकी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर हर एंगल की तलाश की जा रही है, इसको क्या सुखदेव सिंह गोगा बेड़ी की हत्या से लिंक करके देखा जा रहा है, क्या किसी गैंग की इन्वॉल्वमेंट भी पुलिस को लग रही है, बताइए। बिल्कुल देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं बहुत गहनता से इसकी जांच कर रही हैं, सिर्फ यहां एक कार्यालय विवाद नहीं या वर्चस्व की जंग नहीं है बल्कि चूंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के नंबर से फोन आया और शिव सिंह शेखावत जो करणी सेना के अध्यक्ष उन्होंने पहले भी शिकायत दी थी कि उनकी हत्या की आशंका है तो निश्चित तौर पर इसमें कोई रैकेट भी काम कर सकता है, उन्होंने सुपारी किलिंग की भी शिकायत जो है जांच एजेंसियों को दी थी। अब जांच एजेंसियां इन साक्ष्यों को जुटा रही हैं कि किस तरीके से ये हमला हुआ है, क्या महिपाल सिंह मकराना है या इसके पीछे और भी लोग हैं और कौन सा ऐसा नेटवर्क है और कौन लोग हैं, उनका उद्देश्य क्या है और क्यों ये हमला किया गया और इससे पहले क्या और भी इस तरह के जो प्रयास किए गए जो कहीं शिव सिंह शेखावत या दूसरी जांच एजेंसियों के नजर में नहीं आ सके, तो अभी फिलहाल जो जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। नहीं, इन्होंने बताया था कि 9 जून को जो धमकी मिली थी चित्रकूट थाने में इसका FIR भी दर्ज कराया था, तो चित्रकूट पुलिस से क्या कोई आपकी बातचीत हुई है कि FIR दर्ज कराया था उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्यों? बिल्कुल, हमने अभी कुछ देर पहले यहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं इनसे बातचीत की थी तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने का हवाला हमें दिया था, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी फोन लगाया लेकिन संभवतः चूंकि देर रात तक ये कार्रवाई चली है किसी अधिकारी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है, चूंकि ये राष्ट्रीय करणी सेना का जो कार्यालय है जिस क्षेत्र में है ये एक शांतिपूर्वक जोन है लेकिन
धमकी आने के बाद निश्चित तौर पर यहां पर जांच एजेंसी और पुलिस की एक तरीके से हम कहें जिम्मेदारी बढ़ती थी, और यहां पर जिस तरीके से दो सुरक्षा कर्मी दिए गए थे उसी तरीके से, चूंकि शिव सिंह शेखावत पहले ही अपनी हत्या की आशंका जाहिर कर चुके थे और सुखदेव सिंह उगा मेड़ी में भी जो प्रकरण में भी जो मामला सामने आया था उसमें समाज के लोग बनकर के अंदर घुसे थे, इसमें भी यही बताया गया था कि समाज के लोग बनकर के चार जो दूसरे लोग हैं वो अंदर घुसे हैं। तो अब क्यों पुलिस ने जब कार्यालय जिस कार्यालय पर इस तरह की संवेदनशीलता थी वहां पर ठीक है राकेश, गहनता का विषय है क्योंकि वर्चस्व की पद की लड़ाई समझ में आ रही है, दोनों के बीच में क्या विवाद था, एक एक लीड को फिलहाल पुलिस को खोलना होगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर गोलियां वहां पर क्यों चली। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।